हेलो दोस्तों, ये रिजर्वेशन फॉर्म है। आपको रेलवे स्टेशन पे जाके ये रिजर्वेशन फॉर्म ले लेना है। आज हम लोग सीखेंगे कि रिजर्वेशन फॉर्म भरा कैसे जाता है। तो दोस्तों, सबसे ऊपर वाला ये जो कॉलम है, यहाँ पर अगर आप डॉक्टर हो तो यहाँ पर टिक कर देना, ताकि इमरजेंसी में आपसे सहायता लिया जा सके। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर लिखा है जहाँ ट्रेन नंबर एंड नेम, यहाँ पर आपको ट्रेन नंबर लिख देना है। अगर ट्रेन नंबर नहीं मालूम तो आपको ट्रेन का नाम लिख देना है। उसके आगे दोस्तों डेट ऑफ जर्नी लिखा है, आपको किस तारीख को यात्रा करना है आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जैसे हमको 28/5/2023 को करना है तो हमने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्लास लिखा है, यानी कि किस क्लास में आपको यात्रा करना है, एसी में या फिर स्लीपर में, तो हमको स्लीपर में करना है तो हमने SL लिख दिया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ़ बर्थ या नंबर ऑफ़ सीट आपको लिखना है कि कितने लोगों को आपको यात्रा करना है। जितने लोगों को यात्रा करना है वो नंबर यहाँ पर लिख देना है दोस्तों। उसके बाद स्टेशन फ्रॉम, यानी कि कहाँ से आपको यात्रा करना है, तो हमको रायबरेली से करना है। और टू कहाँ तक, यानी लुधियाना तक, तो आपको यहाँ पर जहाँ तक आपको यात्रा करना है वो स्थान लिख देना है। उसके नीचे लिखा है दोस्तों बोर्डिंग एट, बोर्डिंग का मतलब होता है चढ़ना, आपको कहाँ से चढ़ना है, तो हमको रायबरेली से चढ़ना है। और कहाँ तक के लिए, लुधियाना तक के लिए, तो उसके आगे आपको जहाँ तक जाना है उसका पता लिख देना है। तो दोस्तों ये वाला कॉलम आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और उसके नीचे लिखा है मोबाइल नंबर आपको लिख देना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आपको 6 लोगों की एक फॉर्म में टिकट बुक करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो हमको 2 लोगों की टिकट बुक करना है, तो दोनों लोगों के हमने नाम लिख दिए हैं यहाँ पर, आप भी ऐसे ही लिख देना दोस्तों। उसके आगे अगर आप भारतीय हो तो आई मीन इंडियन आई दोनों में लिख देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आप मेल हो तो M लिख देना, फीमेल हो तो F लिख देना, ठीक है। जैसे अमन सिंह मेल है तो मेल लिख दिया, स्नेहलता फीमेल है तो F लिख दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एज लिख देना, और उसके आगे दोस्तों आपको कौन सी सीट चाहिए यहाँ पर लिख सकते हो, LB चाहिए या फिर UB चाहिए। जैसे कि मुझे LB चाहिए तो हमने LB लिख दिया, और एक UB चाहिए तो UB लिख दिया। ये ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। और उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है एड्रेस, यहाँ पर आपको लिखना है एड्रेस, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपको ग्राम लिख देना है, ग्राम गंजबलरवा पोस्ट राधा बालमपुर तहसील ललमऊ जिला रायबरेली। और अगेन आपको डेट लिख देना है जिस तारीख को आपको यात्रा करना है, और इधर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं दोस्तों। और उसके बाद इसको काउंटर में जाके जमा कर देना है, तो आपको टिकट मिल जाएगा दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।